हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। मान के चलता हूँ नॉलेज है थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और जल्दी से इसको समझते हैं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में जब भी कभी आता है। जल्दी से कम समय में इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं और गारंटी देता हूँ आज के बाद आप इस कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है? चलिए, तो भाई टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है किसकी, मेटल की, ये डी ऑर्बिटल मेटल की लिगेंड्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण, रिपल्शन के कारण ये स्प्लिट हो जाती है, यानी एनर्जी में इसके बदलाव आ जाता है। अब ये इस तरीके से स्प्लिट होती है कि इसका एक गुच्छे को हम T2G बोल देते हैं और एक गुच्छे को EG बोल देते हैं। याद रखना ये जो G है ये ज्योमेट्री से एक शब्द आया है G, इसलिए हम यहाँ पे T2G और EG बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ ऐसे कुछ करके आ जाता है बच्चों, एक तरीके का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है। बढ़िया सर, समझ लो क्या? तो इस केस में क्या होता है, ऊपर की ओर EG रहता है, नीचे की ओर T2G रहता है। EG में हमारे पास, अगर ऑर्बिटल की बात करूं, तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं dx2 - y2 और dz2, क्योंकि इनकी थोड़ा शेप फैक्टर उस तरह होता है, तो इनमें रिपल्शन भी एक ही हिसाब से होता है, तो ये बैरी सेंटर से एक ही साथ ऊपर जाती हैं और ये 3 dxy dyz एक साथ ही नीचे आती हैं। ऐसा कुछ एनर्जी लेवल +3/5 डेल नॉट। डेल नॉट क्या भैया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, समझ रहे हो क्या? ये चीजें यहाँ पे ऐसे हैं। अच्छा, होता क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, जब कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वो क्या करता है, डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा कर देता है। डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा कर देता है, इतना ज्यादा कर देता है कि डेल्टा नॉट हमारा पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा हो जाता है। डेल्टा नॉट क्या हो जाता है बच्चों, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आती है किसी एक सबशेल के अंदर। मतलब इसके अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को रखना है तो दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे तो रखेंगे नहीं, तो हमें दबा के रखना पड़ेगा। तो जो मतलब पेयर कराने में जो हमसे एनर्जी लग रही है वही एनर्जी है। याद रखना, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने से पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। समझो, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब रिपल्शन बहुत ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो पेयरिंग नहीं होती। मतलब क्या, देखो डेल्टा नॉट ज्यादा है मतलब ये बहुत दूर तक, एकदम बहुत ऊंचा ऊंचा कर दिया। अब इतनी दूर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ तक जाने का लॉस क्या करता है, नहीं सहता है, सोचता है यार इतनी ज्यादा एनर्जी लेवल से अच्छा है कि पेयरिंग करा लो, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है, तो पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग एक रिपल्शन टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो? क्योंकि भैया स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, एन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि पेयरिंग होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो हमारे कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा बच्चों। ठीक इसका उल्टा अगर मैं बात कर लूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जगह लो फील्ड लिगेंड की बात कर लें, LFF, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए क्या? ये सिर्फ और सिर्फ बातें ऑक्टाहेड्रल के लिए हैं, ये सेम चीज टेट्राहेड्रल में नहीं लगती है। वहां पे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, W होता है सॉरी, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोनों ही केस के लिए हमारे वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। देखो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी स्प्लिटिंग होती है लेकिन टेट्राहेड्रल में उतनी ज्यादा एनर्जी की स्प्लिटिंग नहीं होती है, याद रखना बच्चों। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम ही रहती है। और जिस जिस कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तो हमेशा ही क्या होगी, पेयरिंग होगी नहीं। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है पेयरिंग नहीं हो रही है, नॉन पेयरिंग यानी कि हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, समझ रहे हो? और पेयरिंग ना होने का मतलब है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनना होता है, पिछले वाले में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर अप कर रखे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाई विवेक सर आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज इसका कंसेप्ट पढ़ना है, अगर आपको लग रहा है कि नई चीज है तो आप जरूर पढ़े, ठीक है? बाकी मान के चलता हूँ ये बेसिक चीजें। अच्छा बच्चों, जो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल में, वो कुछ ऐसा रिलेशन आता है,
समझ रहे हो क्या? इस केस में T2 ऊपर हो जाता है, E नीचे हो जाता है। याद रखना, E G नहीं बोला गया है, G सिर्फ तभी आता है जब ज्योमेट्री सिमेट्रिकल टाइप की होती है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई ज्योमेट्री मतलब सिमेट्री नहीं आती है। ठीक है, मतलब ये जो G शब्द आया है ये सिमेट्री से आया है बच्चों, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए वहां T2G लग रहा है, EG लग रहा है, यहाँ पे GG नहीं लगता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका ऐसा कुछ ग्राफ होता है, एक प्लेन के पीछे समझ लो तो एक प्लेन के आगे, ये एंगल आपने सुना होगा वेज एंड डैश फॉर्मूला। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच सकते, इसलिए इस पे हम जी नहीं लगाते हैं, T2 बोलते हैं इसको, जी ई बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी जनरल बातें हैं। एनर्जी याद रखना उल्टा हो गया है, पिछले में अगर मैं एनर्जी दिखाना चाहूँ तो पिछले केस में एनर्जी जस्ट अपोजिट है इस केस की एनर्जी के, समझ रहे हो? तो इतना अगर आप बोर्ड में लिख देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा बहुत बातें बता देते हैं कि भैया ये d2 dx2y - y2 है, dz² है, ऐसा क्यों हुआ, पेयरिंग स्पिन, ये सब चीजें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आपको फुल नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई और इसी तरीके का कंसेप्ट कम से कम टाइम के अंदर कवरअप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं इसी तरीके से इस सीरीज के अंदर कवरअप कर रहा हूँ। हमारे चैनल को आप प्लीज सपोर्ट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।